1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों YouTube से मेरी थर्ड पेमेंट आ चुका है। थर्ड पेमेंट कितना आया है, YouTube हमें कितने व्यू के कितने पैसा देता है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों YouTube हमें ना ही सब्सक्राइबर्स का पैसा देता है, ना ही व्यूज़ के पैसा देता है। YouTube हमें पैसा देता है ऐड के। वीडियोज़ में जितना ज़्यादा ऐड आता है उतना ही ज़्यादा इनकम होता है। मेरा टैग चैनल है, टैग चैनल में कम व्यूज़ के भी ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि मैं मोबाइल अनबॉक्सिंग करता हूँ, गैजेट रिव्यू करता हूँ, ऐप के बारे में बताता हूँ। अदर कैटेगरी के चैनल जैसे कि कुकिंग चैनल है, कॉमेडी चैनल है, एजुकेशन चैनल है, ब्यूटी चैनल है, इन चैनलों का अक्सर वीडियोस का टाइटल हिंदी में हुआ करता है और YouTube का एल्गोरिथम इसमें सस्ता ऐड लगा देता है, इसलिए इनका रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता है टैग चैनल के कंपेरिजन में। टैग चैनल में जो कि सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, वीवो, महंगा महंगा कीबोर्ड इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें महंगा ऐड आता है और इसलिए ज़्यादा रेवेन्यू हो पाता है। अगर मैं आपको अपना वाइटी स्टूडियो ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो मुझे कितने व्यू के कितना पैसा मिलता है। मेरा इस महीने में 44.9 के व्यूज़ आया है और मेरा एस्टिमेट रेवेन्यू है $25.47। और एनालिटिक्स में देख सकते हो, रेवेन्यू सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मेरा अगस्त महीने में $22.03 का इनकम हुआ है और जुलाई महीने में मेरा इनकम हुआ था $27.35 का और जून महीने में मेरा $21.87 का इनकम हुआ है और मई महीने में मेरा $24.86 का इनकम हुआ है और अप्रैल महीने में मेरा $23.81 का इनकम हुआ है और मार्च महीने में मेरा $17.40 का इनकम हुआ है। अगर मैं आपको वीडियोस बाय वीडियो इनकम दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितने व्यू के कितना पैसा मिलता है। तो एक वीडियो में आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये देखो मेरा एक वीडियो है जिसमें कि 21 के व्यूज़ आ रखा है और यहां पे मैं इसके एनालिटिक्स में जाता हूं और यहां पे आप देख सकते हो कि मुझे कितने व्यू के कितना पैसा मिलता है और यहां पे मैं रेवेन्यू पे चला जाता हूं। तो यहां पे देख सकते हो $13.61 का इनकम हुआ है और इसमें व्यूज़ आया है 21K, यानी कि 21,000 व्यूज़ में मुझे $13.61 का इनकम हुआ है। तो यहाँ पे 1800-1900 व्यूज़ में मुझे $1 का इनकम हो जा रहा है। दोस्तों मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था चैनल मोनेटाइज होने के 4 साल बाद, $110 बना था। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ₹8,840 बनता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फर्स्ट पेमेंट लाने में क्या क्या दिक्कतें आती है, ये वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। और फर्स्ट पेमेंट के बाद 5 महीने बाद मेरा फिर सेकंड पेमेंट आया था $104, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ₹8,500 बनता है। और मेरा ये थर्ड पेमेंट आया है, कितना आया है ये मैं आपको गिन के बताता हूँ। 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ₹8,100। वैसे मेरा पेमेंट आया है ₹8,073, ₹73 छुट्टे नहीं थे इसलिए मैंने 100 का नोट दिखाया। और मेरा थर्ड पेमेंट आया है $101, लेकिन यहाँ पे $2.24 की होल्डिंग चार्ज YouTube वालों ने मेरे से काट लिया है। मैं जब Google AdSense अकाउंट में गया तो देखा $2.24 की होल्डिंग चार्ज काटा है YouTube वालों ने। पता नहीं नया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किया होगा और इस बार जो पेमेंट रिलीज़ किया है वो $99.49 की, जो कि मेरा पेमेंट को रिलीज़ किया है Google AdSense अकाउंट के तरफ से और इसका बनता है ₹8,073। और जो फॉरेन
ट्रांजैक्शन जो चार्ज का सर्विस का जो चार्ज होता है वो इस बार दो बार लिया है मुझसे, एक बार 45 रुपये, एक बार 50 रुपये, जो कि मेरा इस बार पेमेंट आया है 27 जुलाई को, और मैं एक महीने बाद वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो अभी जो टाइम देख रहे हो जो कि 12:44 हो चुका है, मैं रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ और पेमेंट भी बहुत कम आ रहा है यार, वीडियो बनाने के दिल नहीं कर रहा है। और आपने देख लिया कि मेरा थर्ड पेमेंट कितना आया है, और पहले के मुकाबले अब थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। पहले तो मेरा पेमेंट आता था हर महीने में $2, $3, अब थोड़ा सुधार आया है, अभी $20, कभी $22, कभी $24 का आ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और मेरा थर्ड पेमेंट? तो आप लोग वीडियो को शेयर करो अपने यार दोस्तों में जो कि नए यूट्यूबर है, उनको पता नहीं है कि कितने व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं, उनके पास शेयर करो। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।